गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कल्पना टोलारे फ्रॉम ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी नागपुर. टुडे वी विल सी द बेसिक ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी. आपको पता है जैसे डिमांड हो रही है पूरे वर्ल्ड में, रिसर्च इज वेरी मस्ट, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन इज वेरी मस्ट. ओके, आयुर्वेद में बहुत कुछ दिया है बट एविडेंस उसके लिए हमको प्रूव करने के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसकी ज़रूरत होती है. सो टुडे वी विल सी द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी. सी व्हाट इज रिसर्च, इज नथिंग बट द क्यूरियोसिटी. कुछ है, कैसा है, क्या है, क्यों है, ये सब जानने की जो इच्छुक होते हैं, दैट इज नथिंग बट द रिसर्च. ओके, इन नेक्स्ट एग्जाम्पल Albert Einstein said that I have no special talent. I am only the passionate, curious about something. So this, with the help of this diagram, we can understood the what is meant by curiosity. So now, come to the point. We will see the definition of research. What is meant by the research? It is nothing but the scientific and the systematic. Systematic word is very important. Scientific and systematic search for knowledge on a particular topic or the issue, it's called as the research. Okay, or in simple way we can say that the systematized effort to gain the new knowledge is called as the research or the voyage of discovery. Puri journey, pura pravas, kuch naya naya khoj ho raha hai, use hum research kehte hai. So research डेफिनेशन जब भी करते हैं तो सिस्टमैटिक वर्ड वहाँ पे डेफिनेटली आना चाहिए. हपा हजार्ड वे में कोई भी हम काम करते हैं, दैट इज नॉट इन अ सीक्वेंस, वो रिसर्च हम उसे नहीं कह सकते. ओके, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च. गुड, अच्छा रिसर्च किसे कहेंगे? सो इट मस्ट बी टेस्टेबिलिटी. टेस्टेबिलिटी पहली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. कोई भी उसे टेस्ट करे तो वो टेस्टेबल होना चाहिए. रिपीटेबिलिटी, कितने भी बार कोई भी एक रिजल्ट आया है उसको रिपीट करें तो सेम रिजल्ट वही हमें फिर से मिलना चाहिए. कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हम, यानी हाईएस्ट लेवल होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसमें हम 5% जो है बाय चांस एरर आने के चांसेस रखते हैं. इसलिए जो भी अपना स्टडी होता है दैट फॉल्स विद इन द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल. प्रिसाइज मीन्स क्लोज टू एक्यूरेसी और रियलिटी. एकदम 100% तो नहीं बोलते बट 95% जो है अपना रिसर्च है वो प्रिसाइज है, क्लोज टू एक्यूरेसी है. जनरलाइजेबिलिटी मीन्स कि हमने सिंपल जो है पॉपुलेशन में से सैंपल निकाला और उसके ऊपर रिसर्च किया, तो वो रिसर्च हमने जो सैंपल पे किया है, स्टैटिस्टिक जिसको अप्लाई किया है, उसको हमें पॉपुलेशन को अप्लाई करते आना चाहिए. मीन्स वी मस्ट जनरलाइज द अवर रिजल्ट, अवर कंक्लूजन. ऑब्जेक्टिविटी जो है वो एक गुड रिसर्च के पूरे फीचर होते हैं. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द गुड रिसर्च? टेस्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में होना चाहिए, 5% देयर में बी चांस ऑफ एरर, प्रिसाइज होना चाहिए, जनरलाइजेबिलिटी उसकी होनी चाहिए एंड द ऑब्जेक्टिविटी शुड बी द कैरेक्टर ऑफ द गुड रिसर्च. इसके लिए कोड हम सिंपली याद रख सकते हैं, ट्रिप गो. नीचे दिया है निमोनिक्स, ट्रिप गो. टी फॉर टेस्टेबिलिटी, आर फॉर रिपीटेबिलिटी, ओके, आई फॉर इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए आई, पी फॉर प्रिसीजन, जी फॉर जनरलाइजेशन एंड ओ फॉर द ऑब्जेक्टिविटी. सो फीचर फॉर गुड रिसर्च, सिंपली वी कैन रिमेंबर इट इन अ सिंगल वर्ड एज अ ट्रिप गो. ओके, नेक्स्ट व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिसर्च? First one is the idea, then idea get converted into the research problem, then research problem get converted into the research question, then we get the ultimately research hypothesis. So mnemonics भी इसको use कर सकते but better way simply हम इसको ऐसे ही याद रखते हैं. So what is mean by idea? It is nothing but the spark in mind. Suddenly कुछ हमें एक क्लू मिल जाता है. ओके, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ओपीडी में, आईपीडी में पेशेंट देखते हैं, तो उस ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें कुछ नया मिलता है. और थिंकिंग और एक्सीडेंटल, ऐसे कई कारणों की वजह से एक नया आइडिया है जो है वो जन्म लेता है. वी कैन सी द वन एग्जाम्पल फॉर द एक्सीडेंटल आइडिया हमें कैसा मिलता है, जैसे एक्सरे का शोध लगा है. ओके,
उसके बाद ऑब्जर्वेशनल में जो पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने शोध लगाया था, सो वी कैन कंसिडर दैट एज ए ऑब्जर्वेशनल. मीन्स जब भी उसने वो कौन सा पेनिसिलिन फंगाई का पेटी डिश में स्टडी किया था, कुछ दिनों के बाद, नियर अबाउट 8 दिनों के बाद देखा था कि उसने एक पेटी डिश में कुछ कॉलोनी जो बैक्टीरिया की पूरी तरह डाई हो चुकी. फिर उसका कीन ऑब्जर्वेशन कि ऐसा क्यों हुआ, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पेनिसिलिन. और इसलिए जो एक बोल सकते हैं क्या बोलते, बहुत बड़ा इन्वेंशन मॉडर्न साइंस में पेनिसिलिन के रूप में अपने सामने आया है. सो व्हाट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम? आइडिया हमें दिमाग में आई है, आइडिया गेट कन्वर्टेड इनटू द रिसर्च प्रॉब्लम. अ प्रॉब्लम इज नथिंग बट द डिफिकल्टी फेस्ड बाय द रिसर्चर. एज अ रिसर्चर आई एम गोइंग टू फेस हाउ मेनी प्रॉब्लम, दैट वुड बी कॉल्ड द रिसर्च प्रॉब्लम. व्हाट इज मीन बाय रिसर्च क्वेश्चन? जो प्रॉब्लम रिसर्चर ने फेस की है दैट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू द रिसर्च क्वेश्चन. ओके, सो रिसर्च क्वेश्चन इज एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर रिसर्च. जैसे इन एनालिटिकल स्टडी एंड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी रिसर्च क्वेश्चन इज कन्वर्टेड इनटू द रिसर्च हाइपोथेसिस, बिकॉज इन डिस्क्रिप्टिव स्टडी हाइपोथेसिस का यानी हाइपोथेसिस वहाँ पे नहीं होते, दिस स्टडी आर द हाइपोथेसिस जनरेटिंग स्टडी. नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द गुड रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन बनाया है हमने तो वो कैसे होना चाहिए? दैट शुड बी मेजरेबल वेरिएबल. वेरिएबल, एक वेरिएबल या वेरिएबल्स दो भी रह सकते हैं, सो दैट शुड बी मेजरेबल. ओके, पॉपुलेशन कि जो अपने स्टडी में कौन लोग आ रहे हैं, किसके ऊपर हम स्टडी कैरी कर रहे हैं, दैट मस्ट बी द ग्रुप और अ सब्जेक्ट ऑफ अ पर्सन. पॉपुलेशन, स्टडी डिज़ाइन, हम लोग देखेंगे स्टडी डिज़ाइन के कौन से प्रकार होते हैं, तो वो पहले से हमें बताना पड़ता है व्हाट स्टडी डिज़ाइन वी विल बी यूज्ड. हियर इज़ अ वन एग्जांपल ऑफ द गुड रिसर्च क्वेश्चन. व्हाट इज़ द इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी इन अ नागपुर सिटी? एक रिसर्च क्वेश्चन है अपना. ओके, विच इज़ द वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन? इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी इज द वेरिएबल. चेंज होगा ना, ओबेसिटी चेंज होगा, दैट इज वेरिएबल. व्हाट इज द पॉपुलेशन? कौन सी पॉपुलेशन हम यूज कर रहे हैं स्टडी के लिए? नागपुर सिटी पॉपुलेशन यूज कर रहे हैं. ओके, और विच स्टडी डिजाइन वी यूज हियर? डिस्क्रिप्टिव स्टडी, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इंसिडेंस ऑफ द ओबेसिटी. जब भी हम इंसिडेंस निकालते हैं तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी का प्रयोग करते हैं. आगे आएगा और क्लियर हो जाएगा. ओके, सो जो एक रिसर्च क्वेश्चन है अच्छा, उसमें वेरिएबल, पॉपुलेशन, स्टडी डिजाइन पूरा मेंशन होता है. सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ द ओबेसिटी इन नागपुर सिटी, जिसमें वेरिएबल दिया है, पॉपुलेशन है और स्टडी डिजाइन भी मेंशन किया हुआ है. अगेन वी कैन सी दैट व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ गुड रिसर्च क्वेश्चन. वी यूज फॉर दैट पीकॉट क्राइटेरिया, PICOT. व्हाट इज मीन बाय पी? पी स्टैंड्स फॉर पॉपुलेशन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशंस, सी स्टैंड फॉर कंपेरिजन एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटकम एंड टी टाइम बाउंडेड होना चाहिए. ओके, सो पीकॉट एकदम फेमस क्या बोलते हैं निमोनिक सही है. वी कैन यूज दिस पीकॉट क्राइटेरिया एज अ गुड रिसर्च क्वेश्चन. सो व्हाट इज मीन बाय पी? तो हमने देखा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या रहेगा? अपना पेशेंट्स रहेगा, वन ग्रुप या वो एक पेशेंट रह सकता है, ग्रुप ऑफ पेशेंट रह सकता है. व्हाट इज मीन बाय आई? दैट इज इंटरवेंशन, जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं. ओके, कंट्रोल ग्रुप कौन सा है, जो भी है हम इंटरवेंशन के रूप में दे रहे हैं. इंटरवेंशन इज नथिंग बट विच एनीथिंग विच अल्टर द आउटकम ऑफ द स्टडी, उसे इंटरवेंशन कहते हैं. व्हाट इज सी? कंपेरिजन, कंपेरिजन करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल. ओके, दो वेरिएबल है हाइट और वेट, उसमें क्या डिफरेंस है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं हाइट में है, वेट में है, या बोल सकते हैं कंट्रोल ग्रुप है, स्टैंडर्ड ग्रुप है, तो कंपेरिजन शुड बी देयर. व्हाट इज आउटकम? इफेक्ट, मेजर्ड फिनोमिना, इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. मीन्स जैसे कैसे अपना इंटरवेंशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और आउटकम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. रोग हेतु आणि रोगाची पूर्ण जी झालेली व्याधी. ओके, हेतु आणि व्याधी आपण इथे समजूया. हेतु काय राहील? इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल मीन्स इंटरवेंशन. ओके, और आउटकम यानी डिसीज कंडीशन, व्याधि कंडीशन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, क्योंकि व्याधि डिपेंड्स ऑन द हेतु, इसलिए हेतु इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड आउटकम अपना जो व्याधि है दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल.
लास्ट पिकॉट क्राइटेरिया में जो है वो दैट इज टाइम, जो हमें स्टडी के लिए कितना टाइम लगता है वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए. सो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ गुड, अगेन गुड रिसर्च क्वेश्चन, पिकॉट क्राइटेरिया. पी फॉर पॉपुलेशन, आई फॉर इंटरवेंशन, सी फॉर कंपैरिजन, ओ फॉर आउटकम एंड टी फॉर टाइम बाउंडेड. ओके, हियर इज वन एग्जांपल फॉर यू. देखो हमें इसमें से देखना है पिकॉट क्राइटेरिया कैसे अप्लाई हुआ है. इज देयर डिफरेंस इन, ओके, ड्यूरेशन ऑफ मैनुअल सर्जिकल प्रोसीजर वर्सेस कॉम्प्यूटेड असिस्टेड सर्जरी इन पेशेंट विथ हिप रिप्लेसमेंट एज 60 ईयर्स एंड अबव, एज क्राइटेरिया दिया. तो इसमें व्हाट इज पी, पेशेंट क्या है, कौन से पेशेंट है इसमें, हिप रिप्लेसमेंट ग्रेटर देन 60 ईयर्स, ये अपना पेशेंट है, पी मिला हमें. ओके, व्हाट इज आई, इंटरवेंशन, कंप्यूटराइज असिस्टेड सर्जरी. फर्स्ट जो होता है वो हम लोग इंटरवेंशन के रूप में दे रहे हैं. ओके, दैट इज कंप्यूटराइज असिस्टेड सर्जरी, आई इंटरवेंशन. व्हाट इज कंपैरेटिव ग्रुप वी यूज कंपैरिजन फॉर, मैनुअल सर्जिकल ग्रुप, मींस दो ग्रुप है, एक कंप्यूटराइज करके देख रहे हैं, एक मैनुअल कर रहे हैं. सो अवर इंटरवेंशन इज कंप्यूटराइज असिस्ट सर्जरी एंड इन कंपैरिजन विथ मैनुअल सर्जरी. ओके, व्हाट इज आउटकम, ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, कितना सर्जरी में क्या, यानी कितना ड्यूरेशन लगेगा सर्जरी लिए, ये हमारा आउटकम है. टाइम पीरियड इसमें नहीं मेंशन किया है, बट इट्स ओके. पीको क्राइटेरिया इज फॉलो हियर, पिकॉट क्राइटेरिया नहीं फॉलो किया है, फिर भी पीको क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो किया हुआ है. ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन. रिसर्च क्वेश्चन जो अभी तक के हमने देखे उसके कितने प्रकार होते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप, कंपैरेटिव टाइप एंड द एसोसिएशन टाइप ऑफ द रिसर्च क्वेश्चंस. डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट विद द हाउ, व्हाट, हु, वेयर एंड द व्हेन. ओके, कंपैरेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टार्ट विद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, सो कंपैरिजन इज देयर, दैट मीन्स कंपैरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. एंड व्हाट इज मीन बाय एसोसिएशन टाइप ऑफ, दिस एसोसिएशन टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट विद द एसोसिएशन, को रिलेशन, इंटरेक्शन बिटवीन टू वेरिएबल. दो वेरिएबल हो गए इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना रिस्पेक्टर होगा, कॉज होगा, रोग का हेतु होगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल इज आउटकम होगा, डिसीज कंडीशन होगा अपना आउटकम. ओके, सो एसोसिएशन टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन होगा. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टाइप, कंपेरेटिव टाइप एंड द एसोसिएशन टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. Next, we will see the one example of the descriptive type of research questions. Yeah, पे हम लोग देखेंगे कि how many calories do the medical student of Maharashtra consume per day? इसमें variable क्या है? Variable calories consume per day. और population क्या है इसमें? Medical student of the Maharashtra. वेरिएबल पॉपुलेशन है, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन हुआ. कंपेरिजन टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. व्हाट इज द डिफरेंस, हमने कहा जहाँ पे भी कंपैरिजन होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल आएगा. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस इन द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मूवी इन द बॉयज एंड इन द गर्ल्स इन आयुर्वेद कॉलेज. सो व्हाट इज वेरिएबल हियर, मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द मूवीज इज द वेरिएबल, चेंज होगा, चेंजिंग कैरेक्टर, दैट इज अ वेरिएबल. एंड व्हाट इज पॉपुलेशन, बॉयज एंड गर्ल्स इन द आयुर्वेद कॉलेज, आयुर्वेद कॉलेज के बॉयज और गर्ल्स इसमें पॉपुलेशन के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं. ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ द एसोसिएशन टाइप ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन अमंग द बर्थ वेट एंड द लेंथ ऑफ द न्यू बॉर्न विथ मैटरनल वेट एंड द मैटरनल हाइट इन बेबीज डिलीवर्ड इन द हॉस्पिटल, क्वेश्चन मार्क. दिस इज द एसोसिएशन टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. एसोसिएशन है, रिलेशन है, कोरिलेशन यहाँ पे दिख रहा है. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ एसोसिएशन टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन. वेरिएबल डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, दो प्रकार के वेरिएबल. व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर, बर्थ वेट एंड लेंथ ऑफ न्यू बॉर्न. ओके, न्यू बॉर्न का बर्थ वेट और लेंथ जो है वो मैटरनल वेट और बर्थ, इस पर क्या मैटरनल हाइट पर डिपेंड है, इसलिए वो डिपेंडेंट वेरिएबल है. और व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस, मैटरनल वेट एंड द मैटरनल हाइट, दो दो है, बट इट्स ओके.
And what is the population? Newborn and their mother delivering in hospital. ये अपना population है. So variable and population clearly यहाँ पे mention किया हुआ है. Next we will see the research hypothesis. What is mean by hypothesis? In simple word we can say that the logical supposition, a reasonable guess or conjecture is called as the hypothesis. Okay? Hypothesis is also specific testable prediction. जिसको हम test कर सकते हैं उसे हम hypothesis कह सकते हैं. So hypothesis is also a testable prediction about the relationship between dependent and independent variable. It's called as the hypothesis. Third one is hypothesis is integral part of the analytical and experimental studies, and descriptive studies are the hypothesis generating studies. Study design में हम देखेंगे analytical type और experimental type of study design. तो उसमें hypothesis लिखना ही पड़ता है, but descriptive study में hypothesis होना compulsory नहीं है, as descriptive study itself are the hypothesis generating studies. वो study ही हम इसलिए कर सकते हैं कि hypothesis generate हो. Okay? So what are the types of hypothesis? Hypothesis में समझे logical supposition, may be true हो सकता है 99% में नहीं, but it is logical supposition, that is called as the hypothesis. अभी वो simple या complex होगा, directional non-directional होगा, null या research. The research को ही alternative hypothesis बोलेंगे हम लोग. Okay? So types of hypothesis. First we will go for the simple and the complex. Simple है means one dependent and one independent variable is there. Maternal weight, बच्चों का वेट. सिंपल, वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कॉम्प्लेक्स है, मोर देन वन वेरिएबल. मैटरनल वेट एंड हाइट, बच्चों का भी वेट एंड हाइट, ऐसे दो वेरिएबल है यहाँ पे. सो दैट वुड बिकम द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस. फर्स्ट वन इज द सिंपल मीन्स वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सेकंड वन इज द कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स द मोर देन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल यहाँ पे रह सकते. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस, सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स. सेकंड वे विल सी द directional and non-directional. Directional means there is a particular direction in positive or negative relationship, and non-directional means there is a no direction. For example, directional में हम सब देख सकते हैं, is the height of Punjab population is more than the Maharashtra population. यहाँ पर हमने बता ही दिया है कि height of Punjab population बट ज़्यादा है महाराष्ट्र की population की. So here is one positive direction is given in that hypothesis. But non-directional कैसे होगा? Is there any difference in the height of the persons of the Maharashtra state and the Punjab state? दोनों state में persons है, उसमें height में कोई difference है क्या? That is called as the non-directional hypothesis. And third and most important type of hypothesis is the research hypothesis, also called as the alternative hypothesis and the null hypothesis. Okay. Research hypothesis means there is a difference in between two variables, and null hypothesis means what? There is a no difference between the two variables. During research, what we do generally, we put forth the null hypothesis, means we assume that there is a no difference in two variable, या two drugs बोल सकते हैं. And what we do at the end of research, we reject the null hypothesis and we accept the alternative hypothesis. Means हमने put forth किया कि there is a no difference between drug A and drug B. अल्टीमेटली पूरा रिसर्च जब हो जाता तो हम क्या करते हैं कि नल को रिजेक्ट किया है, मीन्स व्हाट वी एक्सेप्ट, देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ड्रग ए एंड ड्रग बी, ये एक्सेप्ट किया, मीन्स अपना ड्रग ए ड्रग बी से अलग है, बेटर है, कुछ भी अपना जो है वो रिजल्ट हो सकता है. सो दिस इन दिस वे वी यूज दिस हाइपोथेसिस इन आवर रिसर्च. ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर अबाउट द हाइपोथेसिस. नेक्स्ट वी विल सी द टाइप्स ऑफ रिसर्च. टाइप ऑफ रिसर्च का कोड है बी ओपेक. B means basic, इसके अपोजिट होता है applied. Okay? O for observational, इसके अपोजिट होता है experimental. तीसरा है P means primary, इसके अपोजिट होता है secondary. और last है Q, Q means qualitative, इसके अपोजिट है quantitative. So B OPEC is the mnemonics to learn, to remember the types of research. We will see one by one. First one is the primary research and the secondary research. What is meant by primary research? It is published by
इट इज़ पब्लिश्ड वर्क, हु डज इट, जिसने वो वर्क किया है उसी के द्वारा वो पब्लिश होता है. जैसे सर्वे, थेसिस, ऑब्जर्वेशनल स्टडी होते, क्लिनिकल ट्रायल्स होते, वो सभी प्राइमरी रिसर्च में आते हैं. व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी रिसर्च? सिस्टमैटिक रिव्यू मीन्स ऑलरेडी पब्लिश पेपर है उसके ऊपर हमने रिव्यू किया है. ओके, इकोनॉमिक एनालिसिस, मेटा एनालिसिस, रिव्यूज आर कंसिडर एज अ सेकेंडरी रिसर्च. दूसरा प्रकार है अपना बेसिक रिसर्च एंड द अप्लाइड रिसर्च. बेसिक मीन्स वॉट? ड्रिवन बाय द प्योर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी ऑफ द बेसिक ट्रूथ, नॉट बाउंडेड बाय द टाइम. नेवर प्राइमरी इशू अराइजेस इन दिस बेसिक रिसर्च. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट द रिसर्च ऑन द प्रकृति परीक्षण इज विल बी कंसिडर अंडर द बेसिक रिसर्च. वॉट इज मीन बाय अप्लाइड रिसर्च? इट इज़ मोटिवेटेड बाई नीड डील विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, मे बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द बेसिक रिसर्च. टाइम बाउंडेड होता है. ओके, कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ उसके लिए सोल्यूशन चाहिए तो हम लोग ऐसे वक्त अप्लाइड रिसर्च करते हैं. दिस रिसर्च इज़ रिलेटिवली एक्सपेंसिव दैन द बेसिक रिसर्च. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हम लोग मोबाइल, नेचुरल रिसोर्सेस जो है वो क्या अप्लाइड रिसर्च के प्रकार में आता है. नेक्स्ट, क्वान्टिटेटिव रिसर्च एंड द क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च. क्वान्टिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव फाइंडिंग इज बेस्ड ऑन द सम क्वान्टिफाइड मेजर्स वेरिएबल, जैसे हाइट है, वेट है ना, तो क्वान्टिफाइड मेजर्स इसमें होते हैं. इसमें केस कंट्रोल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल हम लोग कर सकते हैं. क्वालिटेटिव स्टडी फाइंडिंग इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट और द डिस्क्रिप्शन. जैसे व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ह्यूमन बिहेवियर, व्हाट इज़ द एटीट्यूड, व्हाट इज़ योर ओपिनियन. सो ये जो कैरेक्टर होते हैं उसके लिए हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं. ओके, दिस क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च एक्सप्लेन्स द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ रेट्स एंड द रेशियो, व्हाइल द क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लेन्स द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड द डिग्री. दिस इज अगेन मेजर डिफरेंस इन बिटवीन द क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च एंड द क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च. ओके, सो क्वांटिटेटिव के लिए केस कंट्रोल स्टडी, कोहोर्ट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल, और क्वालिटेटिव स्टडी के लिए इथनोग्राफी, फोकस ग्रुप डिस्कशन, केस स्टडी वी कैन यूज. नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च एंड द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ऑब्जर्वेशनल मीन्स डज नॉट डू एनी एक्टिव रिपोर्ट, जस्ट वी हैव टू ऑब्जर्व द थिंग्स. डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एनालिटिकल स्टडीज में आते हैं, जैसे सर्वे, केस रिपोर्ट, केस स्टडी. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है? इन्वेस्टिगेटर इंटरवेंसेस टू मॉडिफाई द वेरिएबल, जैसे क्लिनिकल ट्रायल है. हम ऑब्जर्वेशनल में सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेरिमेंटल में कुछ देने के बाद, इंटरवेंशन देने के बाद उसके जो आउटपुट है वो काउंट करते हैं.